हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू BLA.in। तो गाइस, आज हम कर रहे हैं कोर मैथमेटिक्स का 2013 का पेपर, ठीक है। और इसमें हम क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशंस, और इसके बाद हमारे 2011 और 12 का बचता है तो वो भी हम कर लेंगे। बाकी सारे हम वीडियोस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स हमेशा हेल्प करते हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में। आपको अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और बिल्कुल रिपीटेडली आते हैं। अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स लगा लिए तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको उसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ फॉर 2 मार्क्स। और चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले तो यहाँ पर आप डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करने मत लग जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होता है या कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें लग रही होती है, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखिए 0.87 का जब आप इसमें इंटू करेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। तो ये एक हिंट है कि आपको समझ लेना है कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो हमने वहाँ पर जो एक पैटर्न बन रहा था वो था a into a into a - b into b into b। तो ये क्या बन रहा है, a³ - b³, और नीचे क्या बना आपका a² + ab + b², जहाँ पर a की वैल्यू अपनी है 0.87 और b की वैल्यू है 0.13। अब a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, a - b, एक ब्रैकेट में a² + ab + b², ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको बिल्कुल लर्न होना ज़रूरी है। बस हम ये जो वैल्यू है इसको हम इसमें रख देंगे, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। हमने इस फॉर्मूले की पूरी वैल्यू यहाँ रख दी, जो आपने देखेंगे ऊपर से और ये नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a - b। तो a - b क्या है, a की वैल्यू ये थी और b की वैल्यू ये थी, इनको माइनस किया तो आंसर आएगा 0.74। तो देखा आपने कितना इजी था। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द ग्रेटर रेशियो। इनमें से ये पूछा है कि 2:3, 4:7 और 5:8 में कौन सा बड़ा है। क्योंकि ये रेशियो में दिए हैं तो अभी हम इनके वैल्यू नहीं पता कर सकते, तो इसके दो मेथड्स होते हैं, हम दोनों देख लेंगे। जो पहला और इजी मेथड है वो है कि आप इसको डिवाइड कर देंगे। 2/3, 4/7 और 5/8 जी हमें रेशियो दे रखे हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है, हम इसका 3 प्लेस तक डेसिमल निकाल लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाता है आसानी से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 2/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.666, 4/7 को करेंगे 0.571 एंड 5/8 को करेंगे 0.625। अगर आपके पास एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है और अगर आपको जल्दी उस क्वेश्चन को करना है तो आप इस मेथड से करिएगा। तो इसमें से ग्रेटर रेशियो कौन सा हो गया, आप इन तीनों रेशियो को देख सकते हैं कि कौन सा रेशियो बड़ा है, जो कि है 0.6। यहाँ पर 0.62 है, यहाँ पर 0.66 है, तो 0.66 इज बिगर। तो ये हो गया हमारा बड़ा रेशियो। नेक्स्ट होता है हमारा LCM मेथड। LCM लेने से क्या होता है कि हम ये जो भी डिनोमिनेटर्स हैं इनको हम सेम करते हैं, और फिर जो ऊपर जो भी नंबर्स बनते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज कर देते हैं। कैसे कि देखते हैं, 3, 7 और 8 जो इसके डिनोमिनेटर होते हैं हम उनका LCM लेते हैं। 3, 7, 8 का LCM वो 168। अब ये जो डिनोमिनेटर है 3, इसको हम 168 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 168 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 56। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 × 56, मतलब नीचे यहाँ पर हमें तीनों जगह पर 168 बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अपन पहले जो भी ये जो नंबर है 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो आएगा 56, तो ऊपर नीचे दोनों पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही जब 168 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24, तो ऊपर नीचे दोनों 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस पूरे रेशियो को। ऐसे ही 5/8 को 21 और 21 से कर देंगे, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112/168, 96/168, 105/160। अगर अपन को अरेंज करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, 112 वाला, 105 एंड देन 96। बस अब हम इनको रेशियो के हिसाब से कर देंगे, तो 112/168 का रेशियो क्या था, 2/3, और जो 105 का था उसका 5/8 और 4/7। तो इस तरह से अपन अरेंज कर लेंगे और पता लगा लेंगे 2/3 बिगर था, यहाँ से भी यही आंसर निकला अपना, यहाँ से भी यही निकला, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये जो नंबर दे रखा है आपको इसको साइंटिफिक मेथड में रिप्रेजेंट करना है, मतलब पावर्स में आपको इनको रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको देखेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे जो होगा 5279 अपॉन करेंगे। अब जब अपन यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, तो उतने ही जितने ये नंबर होते हैं उतने ही
10 की पावर में 0 बढ़ जाते हैं, उतने ही लग जाते हैं, ठीक है। तो हम गिनना चालू करते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 9 है। तो यहाँ से पॉइंट हटा और यहाँ पर 10 की पावर 9 आ गई, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें और भी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5.279 आ जाए और ये और भी सॉल्व हो जाए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 10 की पावर 9 को हम ऊपर लेके गए तो हो जाएगा माइनस की पावर 9, क्योंकि नीचे से जब भी हम ऊपर कोई भी लेके जाते हैं तो पावर हमेशा नेगेटिव हो जाती है। और हमें और भी सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर हमें पॉइंट लाना पड़ेगा, जिससे कि और आंसर अपना स्पेसिफिक आए, क्योंकि अभी ये नंबर बहुत बड़ा आई, दिस इज 5279, तो उसको हमें कम करके सबसे कम करना है, तो ये हमें 5 करना है इसको। तो पॉइंट हम यहाँ पर लाएंगे 5.279, तो कितने के पहले पॉइंट लग रहा है, 3 के पहले, तो हम इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 5.279 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। अब जब आप जो आंसर उसको वापस सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपका बन के आ जाएगा ये पूरा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्वल ऑफ 40% ऑफ 40%। तो आपको वैल्यू निकालनी है 40% ऑफ 40% की, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। 40% निकालेंगे तो 40% क्या होता है, 40/100। परसेंट जब होता है तो परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100। इंटू ऑफ है बीच में, तो इंटू फिर से 40/100, तो ये हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कटा, 4/10 इंटू 4/10 विच इज 16/100, जो कि वैल्यू आपकी आ गई 0.16। दिस वॉज सो ईजी। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा एज को लेकर, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको समझ लीजिए। इफ़ प्रकाश इज 34 ईयर्स ओल्डर देन लोकेश, यहाँ पर कह रहा है जो प्रकाश है वो 34 ईयर्स बड़ा है लोकेश से। अब जिसका हमें पता रहता है कि प्रकाश बड़ा है किससे, लोकेश से, तो हम लोकेश की कुछ ना कुछ एज मान के प्रकाश की रिलेट कर देंगे। 10 ईयर्स बिफोर उनके सम कितना था, 48, तो अभी उनके प्रेजेंट एज बताने से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम मानते हैं जो लोकेश की एज है वो है एक्स ईयर्स। अब यहाँ पर जो प्रकाश की एज है उसमें बोला है कि 34 ईयर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्स प्लस 34 ईयर्स प्रकाश की हो गई, क्योंकि वो लोकेश से 34 ईयर्स बड़ा है, ठीक है। अब 10 साल पहले इनकी एज क्या थी, ये तो आज की एज है। एज ऑफ लोकेश वॉज 10 साल पहले एक्स माइनस 10 ईयर, ठीक है, क्योंकि 10 साल पहले वो माइनस अपन 10 कर देंगे उसकी एज। और जो प्रकाश की एज है वो होगी 34 प्लस एक्स माइनस 10, अभी की एज से माइनस 10, क्योंकि हम पिछले 10 सालों की बात कर रहे हैं। अब उसने कहा कि 10 साल पहले उन लोगों की जो एज है दोनों की, उनका सम 48 के बराबर था। तो अब कितना हो गया, लोकेश का कितना, एक्स माइनस 10 प्लस 34 प्लस एक्स माइनस 10, इन दोनों की जो एज है वो अपन ने प्लस कर दी, इक्वल टू 48। अब इसको सॉल्व करा, x हो जाएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 48, तो 2x हो जाएगा 62 के बराबर, x की वैल्यू आई 31। ये तो अभी x की वैल्यू आई, अभी इनकी एजेस भी हमें निकालनी है, प्रेजेंट एज। तो अपन ने लोकेश की एज क्या मानी थी, x की वैल्यू कितनी आई, 31। इसका मतलब जो लोकेश की एज है वो है 31 ईयर्स, और प्रकाश की एज कितनी है, 34 प्लस एक्स, तो 34 प्लस 31 जो कि है 65 ईयर्स। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन गाइस थ्योरेटिकल है, तो हम इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर उसकी साइड आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी, तो अपन को पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड का क्यूब, तो हो जाएगा 16 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4096 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है टोटल सर्फेस एरिया, जो कि होता है 6 × साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूलेज आप लिख लेना, बट आई होप आपको ये पहले से ही पता होंगे। 6 × 16 का स्क्वायर विच इज़ 256, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2136 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो यूनिट्स हैं उनको गाइस प्रॉपरली लगाइएगा, किसी में क्यूब और स्क्वायर वो मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हम पूरे उसकी बात करें, देन वी डिड डू क्यूब। जब हम टोटल सर्फेस एरिया निकाल रहे हैं तो हम दो साइड के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर है सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ये आपको दे रखा है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, कुछ इस तरह से दिया गया है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 की पावर क्यूब
रेशियो, रेशियो होता था अपन उसको अपॉन में लाते हैं 15 का क्यूब, और ये जो बीच में आप ये जो दो डॉट्स चार डॉट्स आप देख रहे हैं ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, इसे हम इक्वल टू में इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो बीच में हमने लगाया इक्वल टू 3 अपॉन x, कुछ नहीं बस अब हम इनको कट कर देंगे, तो यहाँ पर 1 3 से 1 3 कट हो जाएगा, तो ये बचा 3 का स्क्वायर अपॉन 15 क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का क्यूब, देन x इज इक्वल्स टू 15 का क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर, बस इसको कट कर देंगे तो हमारा आएगा 5 इंटू 5 इंटू 15 विच इज 375। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको। ये जो भी सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है, और ये जो भी डिवाइड का साइन होता है इसको हम सीधे सीधे हटा के ऐसे लिख लो, ठीक है, 18 अपॉन 6 करके, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सॉल्व करते हैं 15 इंटू ब्रैकेट 18 अपॉन 6 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 4 ब्रैकेट 1 प्लस 18 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसे कर देंगे। 15 इंटू 6 से इसको जब कट करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 18 2 8 जा 16, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब ये अंदर का ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 6 माइनस 4, बाकी की चीज़ हम ऐसी लिखेंगे। सब जब तक हमारा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम बाहर का कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं करेंगे गाइज, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले बॉड मास के थ्रू अपन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 15 माइनस 4 कितना हुआ 11, अब ये हमारा ब्रैकेट टोटली सॉल्व हो चुका है, प्लस 18 माइनस 8। अब बॉड मास के हिसाब से पहले हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमने किया 165, बाकी की चीज़ें ऐसे, उसके बाद हम करेंगे एडिशन, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 183 माइनस 8, अब हम करेंगे माइनस तो आएगा 175। इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिएगा, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, अपने लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व नहीं करे तो करिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपको दे रखा है a प्लस बी की वैल्यू 8 और a माइनस बी की वैल्यू आपको 10, आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। आप सबको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, बस इनकी वैल्यू ही हमको दे रखी है तो हम इक्वेट कर देंगे, ए प्लस बी की 8 है और इसकी 10 है तो उसकी वैल्यू हो गई 18। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, देखा आपने कितना ईजी था ये ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये है सेक्शन बी हमारा, इसमें बेसिकली 4 क्वेश्चंस आते हैं इन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, और भी यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने क्राइटेरिया हैं लेकिन क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं। 4 में से आपको 2 करना होता है एंड पर क्वेश्चन इज 10.5 मार्क्स। तो इसमें हम देखते हैं किस तरह से इन्होंने सॉल्व करा है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ व्हील, जो एक बस है उसका जो पहिया जो व्हील है उसका जो डायमीटर है, जो व्हील कितना कैसा होता है सर्कल में होता है, तो उसका जो डायमीटर है वो कितना है 1.4 दे रखा है। इफ़ द स्पीड ऑफ द बस इज 66 किलोमीटर पर आर, अगर एक बस 66 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है तो ये बताने हैं कि इतनी देर में नहीं, या फिर उन्होंने पूछा है कि एक मिनट में जो व्हील है उसने कितने रेवोल्यूशंस लिए, मतलब कितनी बार वो घूमा, पूरा एक चक्कर उसने कब लगा लिया एक मिनट के अंदर, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का मतलब होता है कि उसने कितने चक्कर लगाए एक बार में, मतलब एक मिनट में। हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें जो व्हील है उसका डायमीटर दिया है 1.4 मीटर, ठीक है, उसका सर्कम मतलब सर्कमफ्रेंस का एक ये फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन, जो होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पर पहले हम निकालेंगे कि उसने एक मिनट में कितनी डिस्टेंस चली, ठीक है, तो जो उसकी स्पीड थी उसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आर में थी मीटर पर मिनट में, तो 66 इंटू 1000 अपॉन 60, तो ये आया हमारा 1100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उसने एक मिनट में 1100 मीटर चला, ठीक है, एक मिनट में उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। अब उसमें ये पूछा है कि उसने इतनी डिस्टेंस करने में उसकी कितनी बार जो उसका व्हील है वो घूमा होगा पर मिनट में, ठीक है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है व्हील का वो कितना निकला 4.4 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील हमने इसलिए निकाला क्योंकि जो व्हील है जब वो उसने एक राउंड अपना कंप्लीट किया, सिर्फ एक राउंड, मतलब
वो घूमा 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 एंड बस उसने बस सिर्फ एक बार पूरा घूम गया वो, ठीक है, जैसे हम टायर घुमाते हैं ना, तो टायर सिर्फ एक बार घूमा, तो एक बार घूमने में उसने कितना कवर डिस्टेंस कर लिया, डिस्टेंस कितना कवर किया, 4.4 मीटर, ठीक है। तो ये एक सरकम एक बार घूमने पे हुआ, और उसने चला कितना, 1 मिनट में 1100, तो हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, ठीक है। तो 1100 अपॉन 4.4 जो कि वैल्यू आएगी 250, तो ये हो गए हमारे 250 रेवोल्यूशंस, जिनका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में जो पहिया है, जो व्हील है, वो 250 बार घूमा, ठीक है। एक बार घूमा, दो बार घूमा, ऐसे करके 1 मिनट में उसने 250 बार रेवोल्यूशन उसका हो गया, कितना डिस्टेंस कवर करने में, 1100 मीटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा गाइस। नेक्स्ट इज ये वाला क्वेश्चन जिसमें होता है, एक सेल्समैन प्लान्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन अ टॉय दैट इज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 रुपये। एक कोई खिलौना है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपये, मतलब दुकानदार ने उसे 80 रुपये में ख़रीदा। अब वो उसमें 35% प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन उसने 10% डिस्काउंट भी दिया मार्क प्राइस पर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस उसकी थी 80 रुपये, उसने कुछ मार्क प्राइस MRP उसने उसने कुछ लगा दी मार्केट प्राइस टॉय पर, ठीक है। उस पर वो मार्केट प्राइस पे वो 10% ऑफ देता है आपको, लेकिन फिर भी वो 35% कमाता है उसमें। तो उसमें ये पूछा है कि मार्क प्राइस कितनी है टॉय की। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सोल्यूशन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमने उसकी जो हमें फाइंड आउट करना था मार्क प्राइस, हमने उसको एक्स माना। तो जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर देते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्काउंट कितना दिया, 10% का ऑन मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, तो पहले हम एक्स का 10% हमने निकाला, तो एक्स अपॉन 10 डिस्काउंट हमने दिया, तो मार्क प्राइस में से ये हम माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ, 9x/10। तो इसका मतलब मार्क प्राइस पर जब हमें 10% डिस्काउंट मिल गया, तो हमने कितने में ख़रीद लिया वो खिलौना, 9x/10 रुपीज़ में, ठीक है। अब जो दुकानदार था, ठीक है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया उसमें, 35%। तो प्रॉफिट परसेंट का हमें फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP × 100। प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तभी तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है कि हम चीज़ कितने में खरीद के ला, हमने कितने में बेची, उस बीच का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट कहलाता है। तो बस हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी है, 35, तो हमने 35 रख दी, इक्वल टू प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो गई थी, 9x/10, और कॉस्ट प्राइस हमें 80 दे रखी है, अपॉन 80 × 100। नाउ वी विल सॉल्व दिस, तो 0 से 0 कटा, और बस हमें इसको बस सॉल्व करना है। तो हमने इस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 35 × 8, ये हुआ 9x/10 − 80, और ये 10, 10 यहाँ पर फिर से नीचे चला गया, एंड इसका हम एलसीएम लेंगे, देन 10 से 10 कट, यहाँ पर 280, 9x − 800, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1080, और ये आएगा 9x, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 120 रुपये। तो मार्क प्राइस उस टॉय की कितनी थी, 120 रुपये, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 80 रुपये, ठीक है। तो उसने यहाँ पर कितने का प्रॉफिट कमाया, 40 रुपये का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइज। ना ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये आपके लिए गाइज होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिए, निकालिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम 2 से 3 बार सेम क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका प्रोसेस जो है लेंदी होता है, मैंने इसका सोल्यूशन पिछले वीडियोज़ में दिया है, अगर आपको नहीं आया तो आप देखना वीडियो, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो कि अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। हम लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपना जल्दी से। यस, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट से। यहाँ पर एक पॉपुलेशन दे रखी है सिटी की, 36,000, और ये उसका डेटा दे रखा है, जिसमें 24% ट्रांसपोर्ट पे है लोग बाग, 120% लोग सर्विसेज में है, 72% लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 36 बिजनेस में, और 108 एग्रीकल्चर में। पहला क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी मोर पर्सन प्रेफर सर्विस देन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कितने ज़्यादा लोग सर्विस में है एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर कितना 108 और सर्विस कितनी है 120, तो कितने हैं, 12% ज़्यादा है, तो उसको हम ज़रा देखते हैं, तो कितना है, 12% है, ठीक है। 120 में से 108 हमने माइनस किया, तो उसने कहा कितना ज़्यादा है, तो 12% है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन हम निकाल लेंगे कैसे, 12 डिग्री कितने में से, ये डिग्री किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो पूरा एक पाई चार्ट है, ठीक है, अपॉन 360
पूरा पाई चार्ट जो सर्किल होता है कितने डिग्री का बनता है, 360, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 36,000, 36,000। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 1200 पीपल। इसका मतलब कि 1200 लोग ज़्यादा हैं कौन से सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, देन एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज इन ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट में कितने लोग हैं टोटल पॉपुलेशन के, तो 24/360, 24 डिग्री था अपॉन 360 इंटू 36,000, तो आएगा 2400 पीपल। अब इसका परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पीपल अपॉन टोटल नंबर इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2400 अपॉन 36,000 इंटू 100, जो कि आएगा 6.66%। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज रेशियो ऑफ पीपल इन सर्विस एंड इंडस्ट्री, लोगों का जो रेशियो है सर्विस इंडस्ट्री और सर्विस में और इंडस्ट्री में, तो कितना है, पहले ज़रा हम लोग निकाल लें, तो उसमें 120 था तो ये आएगा 12,000 लोग, और इंडस्ट्री में 72,000, 72/360 × 36,000 करेंगे तो 7,200 लोग आ गए। अब इनका हम जब रेशियो ले लेंगे तो आएगा 5:3, ठीक है। तो रेशियो में हम ऐसे लिखेंगे, सर्विस का ये रेशियो दिस, इनको कट करते गए तो लास्ट में आया 5:3। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पीपल इन एग्रीकल्चर एंड बिजनेस। अब एग्रीकल्चर एंड बिजनेस में कितना है, तो एक तरफ हमने लिखा एग्रीकल्चर का, दूसरी तरफ लिखा हमने बिजनेस का, तो इसको हमने सॉल्व किया, एग्रीकल्चर में थे 108/360 × 36,000, और जो 36 है तो 36 डिग्री कितना था बिजनेस में, तो हमने इसको निकाला, तो यह आया 108:36। इसको और सॉर्ट आउट किया और सॉल्व किया तो आया 3:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर इन बिजनेस, ठीक है। तो हमें निकालना है कि बिजनेस में कितने लोग हैं, तो टोटल 36 डिग्री था उसका, तो 36/360 × 36,000, तो ये आएगा 3,600 पीपल इन बिजनेस। सो आई होप गाइज आपको ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं आपको बुक्स के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर प्लस ऑप्शनल्स हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है टेक्स्ट बुक, अगर आपको आपके घर पर चाहिए तो बता दीजिए। एंड इंग्लिश में मैथ्स के लिए अभी छोड़ के बाकी की बुक सारी आ गई हैं फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो अगर आपको चाहिए तो आपके घर पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़े हैं आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अगर आप न्यू कमर हैं, अब बेल बटन पे आपको ज़रूर प्रेस करना है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी साइट विजिट करें BLED.in, जिस पर हम फ्री आर्टिकल्स डालते रहते हैं BLED के ऊपर। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।